दतिया से है, जहां शराब पीने के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। वनवास गांव के सरपंच के पति अरविंद यादव ने फायर की, वहां पर गोली लगने से एक महिला की मौत हो गई जबकि एक महिला घायल बताई जा रही है। 13 लोगों पर हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। जिगना थाना के वनवास गाँव की यह पूरी घटना है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहाँ पर शराब पीने के दौरान दो पक्षों में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि एक महिला की जान तक चली गई। कटीरी सरपंच पति अरविंद यादव ने वहां पर फायर कर दी और गोली जाकर महिला को लग गई। महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक महिला घायल बताई जा रही है गोली लगने से। और 13 लोगों पर हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है क्या हुआ था उस वक्त, और साथ ही जिगना थाना के वनवास गाँव की यह पूरी घटना है। तात्कालिक विवाद को लेकर घटना हुई है, जिसमें जो अभी वर्तमान में जो सरपंच है उसके, मतलब पत्नी उसकी सरपंच है, उसके पति ने गोली चलाई जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई है तथा उसकी बेटी को गोली लगी हुई है। इसमें अपराध कायम करके आरोपियों की तलाश के लिए विभिन्न टीमें लगा दी गई हैं। SDOP खुद एक टीम को लीड कर रहे हैं और इसमें 13 लोगों के खिलाफ नामजद एफ आई आर दर्ज की गई।